दोस्तों, जब जंगल में बहुत तेज की बारिश हो रही थी, सभी पक्षी अपने अपने घरों में रहती थी। लगातार बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। जंगल में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक लीली नाम की चिड़िया थी। वह चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घरों में रहती थी। वह छोटी बच्चा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, बारिश कब ख़त्म होगी, कब मैं जंगल की सैर करूंगी, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। उसकी माँ कहती है, ये बारिश का मौसम है बच्चों, अभी बारिश नहीं छूटेगी, हमें घर में ही रहना पड़ेगा। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कहती है कि बारिश छूटेगी तो मैं तुम दोनों को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाऊंगी। हंसी खुशी वह तीनों रहती थी। एक दिन उसके दरवाज़ा पर बूढ़ा कौआ आता है और वह लीली दरवाज़ा खोल देती है। वह कहने लगती है कि तुम कौन हो, ऐसे कैसे घर के अंदर आए जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो बूढ़ा कौआ कहता है कि बारिश बहुत तेज की हो रही है, मुझे कोई घर नहीं दिखा। बहना, तुम अगर अपने घर में मुझे रखोगी बारिश छूटने तक तो बहुत भला होगा आपका, ऐसे कौआ कहता है। और फिर लीली उसके बात में आ जाती है। लीली चिड़िया कहती है कि भैया, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, कहीं जंगल में आके भटक तो नहीं गए हो, ठीक है तुम मेरे घर में रह सकते हो। फिर कौआ कहता है कि मेरा नाम है कल्लू और मैं शहर से आया हूँ यहाँ किसी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अचानक बारिश बहुत तेज़ होने के कारण मैं यहाँ आकर के फंस गया हूँ और अंधेरा बाहर में बहुत ज़्यादा है, रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि तुम बहना तुम अपने घर में मुझे रख लो, मैं सुबह होते ही चले जाऊंगी, और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है, मैं पिछले दो दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कौआ ऐसे ही बात करते रहता है। लीली चिड़िया फुसल जाती है और वह कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो। अंदर आ जाता है कल्लू कौआ। लीली चिड़िया कहती है कि भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर में जो भी बनेगा मैं आपको खाने के लिए दूँगी। तो कल्लू कौआ कहता है कि बहना ठीक है, तुम हमें जो भी दोगे मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, दो दिन से नहीं खाया हूँ। लीली चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार रहती है, उसके बात में आ जाती है, उसके घर में दस्तक भी दे देता है। रात बहुत ज़्यादा हो रहा था, तभी लीली चिड़िया कहती है कि ठीक है भैया, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, फिर आप खाना खा करके आराम कीजिए। चिड़िया ऐसे कहती है, उसे खाना खिला देती है, फिर रात काफ़ी हो जाता है, खाना पीना खिलाने के बाद उसको सुला देती है, आराम से एक जगह सुला देती है, कौआ कल्लू सो जाता है। तो सुबह हो जाता है, लीली चिड़िया खाना बनाती है, कुछ सामान घट जाता है तो वह बाहर जाती है सामान लाने के लिए। कल्लू कौआ के हवाले कर देती है दोनों बच्चों को, कहती है कि भैया इस पे ध्यान रखना। कल्लू वह दोनों बच्चों से बातचीत करता है कि तुम्हारा स्कूल कब खुलेगा। कल्लू का वह अच्छे से बातचीत करते रहता है। फिर थोड़ी ही देर में लीली चिड़िया आ जाती है सामान लेकर। चिड़िया के बच्चे कहने लगते हैं, मामा आज से मैं इसको दादा बुलाऊँगा, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमारे दादा हैं। तो लीली चिड़िया कहने लगती है कि नहीं, ये हमारे कास्ट का नहीं है, ये तुम्हारा दादा नहीं बन सकता। बच्चे अपनी माँ को फुसलाने लगता है, कहता है ये आज से हमारे घर में रहेंगे, ये बहुत अच्छे हैं। लीली चिड़िया रोने लगती है और फिर कौआ उससे पूछता कि क्यों रो रही हो। तो लीली चिड़िया को पुरानी याद आ जाती है अपने माता पिता की। तो वह कहती है कि मुझे पुरानी याद आ गई है, अगर वो रहते तो हमारे बच्चे कितने खुश होते। रो रो करके कहने लगती है कल्लू कौआ से। लीली चिड़िया बहुत नाजुक दिल की रहती है और ईमानदार रहती है। लीली चिड़िया अपने माता पिता की कहानी सुनाने लगती है, उसकी मौत कैसे हुई, खटमल का तरकारी खाने से उसके माता पिता का मौत हो गई थी। वही रोते रोते अपने बच्चों को और कल्लू कौआ को कहानी बताते रहती है और कहने लगती है, अगर मेरे माता पिता जिंदा रहते तो हम तीनों परिवार और भी लंबा परिवार हो जाता मेरा।
हम तीनों अकेले ही रहते हैं इस घर में। कहानी बताते बताते फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कौआ कहता है कि मत रो बहना, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे घर में ही। लीली चिड़िया खुश हो जाती है। फिर बूढ़ा कौआ को लीली चिड़िया कहने लगती है कि आप हमारे घर पे ही रहें, हम आपका अपने माता पिता की तरह ख्याल रखेंगे। तो कौआ कहता है कि अरे बहना, ये कैसी बात कर रही हो, मेरा उम्र हो गया है, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं और जब तक नहीं बारिश उगता है तब तक मैं यहाँ रह लूँगा। बूढ़ा कौआ को लीली चिड़िया मनाने लगती है और कहती है कि आप इसी घर में रहिए, आपका खिदमत मैं करूँगी। कौआ कहता है कि जब बहना तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे घर में रहूँगी। फिर दोस्तों वह बूढ़ा कौआ इसी तरह सबको मना करके इस घर में रहने लगता है। लीली चिड़िया और उसके बच्चा को पता नहीं रहता कि वह बूढ़ा कौआ कितना खतरनाक है और बेईमान है। कुछ दिन बीत जाता है और बारिश भी पूरी तरह से छूट जाता है। लीली चिड़िया के घर का राशन भी पूरा ख़त्म हो चुका था। वह बूढ़ा कौआ को बताता है कि अगर कुछ दिन और बारिश होता तो पूरे घर का मेरे राशन ख़त्म हो जाता, तो मुझे अब राशन लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो क्या मैं राशन लेने के लिए जाऊं? बूढ़ा कौआ से ऐसी कहती है लीली चिड़िया। और फिर कौआ कहता है हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगा। फिर लीली चिड़िया वहाँ से चल जाती है। फिर दोस्तों दुष्ट और बेईमान बूढ़ा कौआ मन ही मन सोचता है कि इस घर में कैसे हमें चोरी करनी है, सारे सामान को मुझे कैसे लेकर के जाना होगा। मन ही मन वह सोचता है। एक दिन वह बात करते रहता है कि इस घर को कैसे खाली करूं, तो लीली चिड़िया के दोनों बच्चों पीछे से सुनता रहता है। तभी वह दोनों बच्चों समझ जाते हैं कि ये ईमानदार नहीं है, ये बहुत बेईमान दादा है। वह दोनों बच्चों बहुत तेज रहते हैं। दोनों बच्चों अपने होशियारी दिखाते हुए सारे सामान को छुपा देते हैं घर के नीचे और फिर बाहर से ताला मार के दोनों माँ के पास चले जाते हैं। सारा बात माँ को बताते हैं कि वह दादा बहुत ही बेईमान है, वह हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था और माँ मैंने उसे बाहर से लॉक कर दिया हूँ। तो फिर लीली चिड़िया कहती है कि मुझे अब पुलिस को बुलाना होगा। तो फिर पुलिस को बुलाती है। पुलिस फिर लीली से कहने लगती है कि लीली, जिसे तुम इतने दिन से घर में रखी थी वह दुष्ट और बेईमान चोर है, वह किसी घर में भी चोरी कर सकता था। अच्छा हुआ तुमने हमें इन्फॉर्म कर दिया, बहुत दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी और इस पर इनाम भी है, तुम्हें इनाम भी मिलेगा। तो वह दोनों पुलिस वह उसको ले जाते हैं और लीली चिड़िया को बहुत सारे पैसे देते हैं जिससे कि वो अमीर हो जाते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।